हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, मैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसको आप टू कलर में बना सकते हो, इसको आप मल्टी कलर में बना सकते हो। ये देखिए, मैंने तीन कलर में बनाया हुआ इसको, वाइट, ऑरेंज और ब्लू। ये देखिए, आज इसको मैं बताने जा रही हूँ, मैं टू कलर में बनाऊँगी इसको। इस डिज़ाइन में 6 के मल्टी पर फंदे लेने पड़ते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने उल्टी उल्टी रो बना रखी है। फर्स्ट रो उल्टी आ गई, दूसरी साइड उल्टी, फिर से फर्स्ट साइड आ गई। देखिए, मैंने 26 फंदे डाल रखे हैं। अब मैं सेकंड कलर लगा रही हूँ। फर्स्ट रो है हमारी राइट साइड है। तीन फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, एक, दो, तीन। दो फंदे स्लिप कर लूँगी। अब चार फंदे सीधे बनाऊंगी, एक, दो, तीन, चार। दो फंदे स्लिप कर लूँगी, एक, दो, तीन, चार फंदे बना लूँगी, दो फंदे स्लिप कर लूँगी। ऐसे ही पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, लास्ट में फिर से हमारे तीन फंदे बच गए हैं। ये डिज़ाइन ऐसे ही एडजस्ट होता है। बीच में चार चार फंदे आएंगे और साइडों में तीन तीन फंदे आएंगे। ये देखिए, हमारी सेकंड रो है, रॉन्ग साइड है। अब पहले तीन फंदे मैं उल्टे बना लूँगी, एक, दो, तीन। स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर लूँगी। चार फंदे उल्टे बनाऊँगी, स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर लूँगी, चार फंदे उल्टे बनाऊँगी। ऐसे पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में फिर से तीन फंदे उल्टे बना दूंगी। ये देखिए, हमारी थर्ड रो है, राइट साइड है। फिर से ऐसे रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाऊंगी, स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर दूंगी, चार फंदे सीधे बनाऊंगी, स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर दूंगी, ऐसे पूरी रो को हम बना के कंप्लीट कर देंगे। लास्ट वाले तीन फंदे में सीधे बना दूंगी। देखिए, ये हमारी फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड है। इसको भी ऐसे रिपीट करना है, तीन फंदे उल्टे बना दूंगी, स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लूंगी, चार फंदे उल्टे बना लूंगी, इनको स्लिप कर लूँगी। ऐसे पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे।
लास्ट वाले तीन फंदे हम फिर से उल्टे बना देंगे। ये हमारी राइट साइड है, फिफ्थ रो है। पहले तीन फंदे मैं सीधे बना दूंगी दूसरे कलर के साथ, स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लूंगी, फिर से चार फंदे सीधे बना दूंगी, स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लूंगी, चार फंदे सीधे बना दूंगी, लास्ट वाले तीन फंदे में सीधे बना दूंगी। ये देखिए हमारी सिक्स्थ रो है, रॉन्ग साइड है, अब ध्यान से देखना। अब हम पूरी रो को सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे, सारे फंदे सीधे बनाएंगे, जो स्लिप किए हुए हैं वो भी सीधे बनाएंगे। बस यही ध्यान रखना है इस डिज़ाइन में, इस रो को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे एक डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे हम जो उल्टी रो बनाते हैं, सीधी रो बनाते हैं, मतलब कि रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बनाते हैं पूरा, यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। अब यहाँ से हम फिर से सेकंड कलर स्टार्ट करेंगे। जो दो फंदे पहले हमने स्लिप किए थे, उन दो फंदों के इधर वाली साइड से एक फंदा लेंगे पहले, और उन दो फंदों के बाद में भी एक फंदा लेंगे, इनको हम चार बना लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों फंदे स्लिप कर लेंगे, और अब जो ये पहले फंदे मैंने स्लिप किए थे पिछले डिज़ाइन में, उनके आगे वाला फंदा भी बना लूँगी, इन दो को भी बना लूँगी, और इनके पीछे वाला भी बना लूँगी, यानी कि चार फंदे मैं बना दूँगी दूसरे कलर से। एक, दो, तीन और चार। बीच वाले फंदे में स्लिप कर लूँगी दो, चार फंदे सीधे बना दूँगी। दो फंदे स्लिप कर लूँगी, चार फंदे सीधे बना लेंगे, दो फंदे स्लिप कर लूँगी, चार फंदे सीधे बना लूँगी, अब लास्ट वाले दो फंदे भी स्लिप कर लूँगी। अब देखिए ये हमारी एट्थ रो है, रॉन्ग साइड है, स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर लेंगे। ये वाले चार फंदे हम उल्टे बना लेंगे, इनको फिर से स्लिप कर लेंगे, चार फंदे उल्टे बना लेंगे, इन दो को स्लिप कर लेंगे,
चार फंदे उल्टे बना लेंगे। ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट वाले फंदे स्लिप कर लेंगे। ये देखिए हमारी नाइन्थ रो है, राइट साइड है, स्लिप किए हुए फंदे हम स्लिप कर लेंगे। फिर से चार फंदे बना लेंगे। स्लिप किए हुए फिर से स्लिप कर लेंगे। ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में चार फंदे बना लेंगे। दो फंदे स्लिप कर लेंगे। ये देखिए हमारी टेंथ रो है, रॉन्ग साइड है, पहले दो फंदे स्लिप कर लेंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे। इनको फिर से स्लिप कर लेंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे। ऐसे पूरी रो रिपीट करेंगे। लास्ट वाले दो फंदे स्लिप कर लेंगे। अब देखिए हमारी इलेवेंथ रो है और राइट साइड है। अब हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए स्लिप किए हुए फंदे हम स्लिप करेंगे और अब ये वाला रेड कलर लगाएंगे। इसके साथ चार फंदे बनाएंगे सीधे। जो स्लिप किए थे उनको फिर से स्लिप करेंगे, चार फंदे सीधे बनाएंगे। इनको फिर से स्लिप कर लेंगे, चार सीधे बना लेंगे। ऐसे ही हम इस रो को रिपीट कर देंगे। लास्ट वाले फंदे फिर से स्लिप कर देंगे। ये देखिए ये हमारी ट्वेल्थ रो है, रॉन्ग साइड है, इसको हम जो स्लिप किए थे फंदे उनको सीधा बना देंगे। पूरी रो को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर देंगे। स्लिप किए हुए फंदे भी हम सीधे ही बना देंगे। बस यही ध्यान रखना है कि जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको स्लिप करते ही जाना है, और लास्ट वाले रो में जब हमारा डिज़ाइन ये ख़त्म होता है तो इन स्लिप किए हुए फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे। कि हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए एक डिज़ाइन मैं और आपको बना के बता देती हूँ। एक बार हमने यहाँ से स्लिप किए थे
और दूसरी बार इसके ऊपर डब्बी चलाई ऐसे जैसे ये वाली राउंड वाली डब्बी बनाई हमने, और दूसरी बार यहाँ से स्लिप की और फिर से मैं वहीं से करूँगी स्लिप जहाँ पहले से स्टार्ट किया था हमने। अब मैं कलर चेंज करूँगी, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था वैसे ही स्टार्ट करूँगी। तीन फंदे बनाऊँगी सीधे, तीन फंदे सीधे बना लिए और दो फंदे स्लिप कर लूँगी। आगे चार फंदे सीधे बना लूँगी, दो फंदे स्लिप कर लिए, फिर से चार फंदे सीधे बना लूँगी, दो फंदे स्लिप कर लूँगी, चार फंदे सीधे बना लूँगी, दो फंदे स्लिप कर लूँगी, लास्ट में तीन फंदे बना लूँगी। देखिए रॉन्ग साइड है, ये तीन फंदे उल्टे बना लूँगी, स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर लूँगी, चार फंदे उल्टे बना लूँगी, स्लिप किए हुए फंदों को स्लिप कर लूँगी। ऐसे ही पूरी रो को हम रिपीट करेंगे। लास्ट वाले तीन फंदे में उल्टे बना दूंगी। ये हमारी राइट साइड है, इसको फिर से हम वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे पहले बनाई थी। पहले तीन फंदे सीधे बना दूंगी, स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर लूँगी, चार फंदे सीधे बना दूँगी, स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर लूँगी। ऐसे ही मैं पूरी रो को रिपीट कर दूँगी। लास्ट वाले तीन फंदे भी मैं सीधे बना दूंगी। अब देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, इसको भी पहले की तरह ही रिपीट करना है। पहले तीन फंदे उल्टे बना देंगे, स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर लेंगे, चार फंदे उल्टे बना लेंगे, स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर लेंगे, चार फंदे उल्टे बना देंगे। ऐसे पूरी रो को रिपीट कर देंगे। लास्ट वाले तीन फंदे में उल्टे बना दूंगी। अब देखिए मैं कलर चेंज करूंगी, रेड कलर लगाऊंगी। ये देखिए तीन फंदे सीधे बना दूंगी, जो पहले स्लिप किए थे उनको स्लिप कर लूंगी, चार फंदे सीधे बना दूंगी,
पहले स्लिप किए हुए स्लिप कर लूँगी, चार फंदे सीधे बना दूँगी, स्लिप किए हुए स्लिप कर लूँगी, ऐसे ही पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे। लास्ट वाले भी तीन फंदे में सीधे बना दूंगी। देखिए अब इस डिज़ाइन की हमारी लास्ट रो है, रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से इसको हम सीधा बनाएंगे। इस पूरी रो को हम सीधा बनाएंगे, जो फंदे स्लिप किए थे उनको भी सीधा ही बना देंगे। इस पूरी रो को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन के आ रहा है, ये देखिए बहुत ही इजी डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन हमारा 6 रो का है, ये देखिए। बस यही ध्यान रखना है इसका, जब हम इसकी टुकड़ी चेंज करेंगे तो इन दो फंदों के साइड से एक इधर वाला फंदा और एक इधर वाला फंदा दोनों साइड से लेके दो के चार बना देंगे, ऐसे ऐसे इसमें किया है हमने, ऐसे इसको चेंज करते जाना है। इन दो फंदों के ऊपर आगे टुकड़ी बना देंगे, टुकड़ी के ऊपर फिर से दो फंदे बना देंगे, ऐसे ही हमारा डिज़ाइन जो चलता जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा बन के आता है और बनाने में बहुत ही ईजी है। इसको हम मल्टी कलर में बना सकते हैं, छोटे बेबी के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने स्वेटर में डाल रखी है, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह डिज़ाइन मेरा आपको बहुत पसंद आया हो। अगर ये डिज़ाइन मेरा पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसी तरह अच्छे और नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।